हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। सो अब यहाँ पर देखो dy बाई dx फॉर्म में दिया, तो सबसे पहला काम क्या अपना, पहले तो हम लोग इसको dy बाई dx को डिनोट कर लेंगे एस पी। सो लिख देंगे डिनोट dy बाई dx एस पी, देन वी हैव तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, आपने इसको डिनोट किया, सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर, दिस इज पी फोर प्लस टू एक्स, दिस इज पी माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन में कितने वाई हैं, सिर्फ एक जगह ये वाई है। सो दिस इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, क्लियरली मेंशन है। अब इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे जिसमें हम लोग को दिया रहता था, तो ये वाई आपका उधर शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू वाई इक्वल्स टू दैट इज एक्स स्क्वायर पी फोर ओके प्लस टू एक्स पी से, दिस इज फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डिफरेंशिएट कीजिए, सो दिस विल गिव यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दिस इज अब ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे सो दिस विल गिव यू फोर एक्स स्क्वायर पी क्यूब डी पी बाई डी एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, पी फोर का हो जाएगा फोर पी क्यूब डी पी बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि पी भी आपका क्या है, डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकेंड, राइट। फिर प्लस पी फोर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, दैट इज टू एक्स और पी फोर एज इट इज, क्लियर। यहाँ पर करेंगे सो दिस विल गिव यू प्लस टू एक्स और पी का कितना हो गया, दैट इज डी पी बाई डी एक्स, ओके। फिर आपका आ जाएगा टू पी लेंगे एज इट इज, एक्स हो जाएगा आपका वन, सो दिस विल गिव यू प्लस टू पी, इतना क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज डिनोटेड बाई पी, सो दिस इज पी इक्वल्स टू, तो जितने भी डी पी बाई डी एक्स के टर्म है सबको एक साथ कर लो, दिस इज फोर एक्स स्क्वायर पी क्यू डी पी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स ओके प्लस टू एक्स पी फोर प्लस टू पी ओके। अब इस पी को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू पी, दिस इज फोर एक्स स्क्वायर पी क्यूब डी पी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स पी फोर प्लस टू पी माइनस पी, सो दिस विल गिव यू प्लस पी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज जीरो। अब आप यहाँ से फैक्टर्स बना लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए जितना कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x dp by dx। जब आपने 2x dp by dx की मान लिया तो यहाँ से हो गया 2 टू जा 4x p क्यूब, राइट, 2 टू जा 4x स्क्वायर p क्यूब dp by dx प्लस यहाँ से आया 1 ओके प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, सो यहाँ से आएगा p कॉमन, सो दिस इज टू एक्स पी क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से आप लीनियर फैक्टर देख लेंगे क्या है, सो दिस विल गिव यू टू एक्स पी क्यू प्लस वन इंटू टू एक्स डी पी बाई डी एक्स, टू एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। सो वट वी विल डू फ्रॉम हेयर, सो यहाँ पर ये देखो, ये सिंगुलर सोल्यूशन देखो, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स, तो इसको आप छोड़ देंगे बिकॉज इट विल गिव यू अ सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन, तो इसको इग्नोर कर देंगे। सो इग्नोरिंग द फैक्टर टू एक्स पी क्यूब प्लस वन ओके, देन वी हैव, तो आपको क्या मिलेगा, देन टू एक्स
डी पी बाई डी एक्स ओके प्लस पी इक्वल्स टू जीरो. फ्रॉम हेयर मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाइए पी एक साइड एक्स एक साइड. सो दिस विल गिव यू, सो दिस इज टू एक्स डी पी बाई डी एक्स, टू एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, सो दिस विल गिव माइनस पी. ओके दिस इज आई कैन राइट टू डी पी बाई पी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स. अब मैंने यहाँ टू लिया है बेटा, आप लोग यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाई टू चला जाएगा तब भी वैसे ही आएगा सॉल्यूशन जैसे हम लोग यहाँ से कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, वी गेट इंटीग्रेशन क्या, दिस इज टू लॉग पी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट मान लिया हमने लॉग सी. सो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ पी स्क्वायर, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी, इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम माइनस एन, सो दिस इज सी बाई एक्स. सो वट विल वी हैव फ्रॉम हियर, दिस इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई एक्स और पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी बाई एक्स, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, से दिस इज सेकेंड. नाउ यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर. सो यूजिंग टू इन फर्स्ट वी गेट, रख लीजिए टू को यहां पर. सो दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू दिस इज x स्क्वायर ओके p4 मीन्स अंडर रूट ऑफ c बाई x ओके पावर 4 प्लस 2xp, सो p इज अंडर रूट ऑफ c बाई x, राइट. सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर ओके अंडर रूट c टू द पावर 4 मीन c स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर राइट प्लस 2 एक x रूट x, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, सो दिस विल गिव यू अंडर रूट ऑफ सी एक्स, राइट. ये x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर प्लस 2 रूट सी एक्स. सो दिस इज योर आंसर, या कह सकते हैं इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहां तक. तो ये क्वेश्चन टू था, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई था, पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन बेस्ड ही था बिल्कुल, सब चीज़ें कोई चीज़ नई नहीं है. अगर फिर भी कहीं कुछ लगे आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है. ओके आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ उसको मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.